हेडफोन के ऊपर हमने तकरीबन 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी जिसको आपने काफी सारा प्यार दिया था, और अब नया साल नई वीडियो और नए हेडफोन, वो भी जस्ट 1000 रुपए में आपके लिए। अगर आप अच्छी साउंड क्वालिटी चाहते हैं, गेमिंग के लिए हेडफोन खरीदना चाहते हैं या फिर एक ओवरऑल बेस्ट हेडफोन खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए इसे लास्ट तक देखना। और हाँ, TWS नेकबैंड के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है और आने भी वाली है नई वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो जल्दी से बात करते हैं पहले हेडफोन की जिसको हमने जस्ट 350 के आसपास खरीदा है। ओके, ये रही एक चार्जिंग केबल जिससे आप इस हेडफोन को चार्ज करोगे। इसके अंदर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भी मिलता है आपको और यहाँ बॉक्स खाली है और ये रहा हमारा हेडफोन। तो देखो, जब मैंने इसका प्राइस देखा कि ये हेडफोन आपको जस्ट 350 के अंदर मिलता है और इस हेडफोन को काफी लोगों ने खरीदा है, तो मैंने इसे तुरंत बाय कर लिया। और अगर अभी इसके डिजाइन की बात करूं तो इसका जो डिजाइन है वो काफी सही है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी सही नहीं है, वो थोड़ी सी नाजुक है क्योंकि इसका प्राइस भी नाजुक है। बाकी इसके अंदर आपको 7 घंटे की बैटरी मिल जाती है, ऑक्स केबल से कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो 1000 रुपए के अंदर आने वाले हेडफोन को भी टक्कर देती है। बट जब मैंने इसके अमेजन पर रिव्यू देखे तो मैंने पाया कि काफी लोगों को ये डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है और उसकी उन्होंने कंप्लेन भी की जिसका कोई समाधान नहीं हुआ। यानी इस हेडफोन के साथ आपको कोई भी वारंटी नहीं मिलती है, यानी कोई अंदाजा नहीं है कि ये हेडफोन कितने दिन तक चलेगा और कितने दिन तक नहीं। बट जिस प्राइस में आता है उस प्राइस के हिसाब से इसकी बैटरी भी ठीक है और इसकी साउंड क्वालिटी भी काफी सही है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडफोन की जो आता है मोटरोला की तरफ से, मोटरोला एस्केप 200। देखो, इसका प्राइस अभी 1400 है बट ये सेल के दौरान 1000 रुपए के अंदर मिल जाता है और ये मेरा फेवरेट हेडफोन है। और ये रहा हमारा हेडफोन, इसके अंदर भी आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है और एक ऑक्स केबल मिलती है। सो अगर आप स्टूडेंट हैं, म्यूजिक लवर हैं या फिर एक कंफर्टेबल हेडफोन चाहते हैं, लाइट वेट हेडफोन चाहते हैं, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। नहीं, अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूं तो साउंड क्वालिटी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर आपको 40 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं जो आपको काफी कमाल की साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं। यानी आपको बेस भी काफी कमाल का मिलता है, जो ट्रबल है वो भी काफी अच्छे से मैनेज मिलती है, यानी मूवीज के दौरान, स्टडी के दौरान आप इसे यूज कर सकते हैं। बट इसका भी बैक है कि इसके साथ आप गेमिंग नहीं कर सकते। बाकी इसे खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप इसे खरीद सकते हो या फिर और फीचर्स को चेक कर सकते हो। और अब बात करते हैं गेमिंग हेडफोन की, और ये रहा एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला एक गेमिंग हेडफोन जो कि आपको जो 700 या फिर 800 के आसपास मिल जाएगा। देखो, इसके अंदर भी आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं और ये रहा हमारा हेडफोन। और इस हेडफोन को मैं काफी बार सजेस्ट कर चुका हूँ, इनफैक्ट इसके साथ मैं आपको एक और हेडफोन सजेस्ट करूंगा जो गेमिंग के लिए काफी सही है। इनफैक्ट उसको अमेजोन पर काफी सारी रेटिंग एंड रिव्यूज भी मिले हैं, वो भी 4.2 की। बात करते हैं इस गेमिंग हेडफोन की, तो ये गेमिंग हेडफोन भी RGB इफेक्ट के साथ आता है और आपको काफी कमाल की गेमिंग लुक प्रोवाइड करा देता है। इनफैक्ट इसके साथ मैंने काफी टाइम तक गेमिंग भी की और जो एक्सपीरियंस था वो काफी कमाल का रहा। वैसे तो इसके अंदर भी आपको 40 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, बट ये एक गेमिंग हेडफोन है तो इसके अंदर आपको बेस काफी कम मिलेगा। सो म्यूजिक लवर्स के लिए मैं इसे सजेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट आप अगर गेमिंग लवर हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं और इसका भी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडफोन्स की जो मेरे फेवरेट हैं, और ये रहे वो, दोनों ही जेबरोनिक्स की तरफ से आते हैं, एक है जैब थंडर और एक है जैब थंडर प्रो। तो देखो, अगर आपका बजट 500 के आसपास है तो आप जैब थंडर की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपका बजट उससे ऊपर है तो आप जैब थंडर प्रो की तरफ जा सकते हैं। और जैब थंडर प्रो का भी प्राइस ज्यादा नहीं है, ये भी आपको जस्ट 800 के आसपास मिल जाएगा, और जिस प्राइस में ये हेडफोन आपको मिलते हैं काफी कमाल के हैं। ये रहा हमारा हेडफोन, इसके साथ आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है, साथ में एक ऑक्स केबल मिलती है। देखो, अगर इसके डिजाइन एंड बिल्ड की बात करूं तो डिजाइन काफी सही है, आपको भी पसंद आएगा, कंफर्टेबल हेडफोन भी है, आप इसे लगातार यूज कर सकते हैं। बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको थोड़ी सी वीक महसूस जरूर होगी, पर प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। और इसके फीचर्स की बात करूं तो काफी कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं जो 1000 के अंदर कोई भी हेडफोन आपको प्रोवाइड नहीं कराता। इसके अंदर आपको 21 आवर्स की बैटरी मिल जाती है, SD कार्ड स्लॉट फीचर मिल जाता है, साथ में ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी मिल जाती है, ऑक्स केबल से कनेक्ट कर सकते हो, 40 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, 21 आवर्स की बैटरी लाइफ मिल जाती है, और यही नहीं 1 साल की वारंटी मिल जाती है। और इसी हेडफोन को एक और हेडफोन टक्कर देता है जो आता है
बोट की तरफ से आने वाला बोट 450। देखो ये हेडफोन भी काफी फेमस हेडफोन है और इसको भी काफी सारी रेटिंग एंड रिव्यूज मिले हैं और इस हेडफोन को यूज करते हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है। बट आपको बताना चाहूंगा कि ये हेडफोन एक ऑन द ईयर हेडफोन है और ये एक ओवर द ईयर हेडफोन है, यानी कम्फर्ट इसके अंदर आपको ज्यादा मिलेगा। और यही बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो दोनों में से इस हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी। और यही बात करूं बैटरी लाइफ की तो इसके अंदर 15 आवर्स मिलती है और इसके अंदर 21 आवर्स, यानी बैटरी लाइफ भी जैबरोनिक्स जैब थंडर प्रो की ज्यादा है। बट बोट का ये हेडफोन आपको बोट की सिग्नेचर साउंड प्रोवाइड करा देता है क्योंकि इसके अंदर आपको 40 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं और जो बेस है वो आपको काफी सही मिलता है। ओके, अब बात आती है प्राइस की। तो देखो ये आपको 1100 के आसपास मिलेगा और ये आपको 800 के आसपास मिलेगा, यानी प्राइस के हिसाब से भी यही हेडफोन सही है, यानी सारे ही मामलों में जैबरोनिक्स जैब थंडर प्रो सही है। सो अगर आप ओवरऑल एक बेस्ट हेडफोन खरीदना चाहते हो तो आप जैबरोनिक्स जैब थंडर प्रो की तरफ जा सकते हैं। अगर आप अच्छी साउंड क्वालिटी चाहते हो, बोट की सिग्नेचर साउंड क्वालिटी चाहते हो या फिर बोट लवर हो तो आप बोट 450 की तरफ जा सकते हैं। और यही अगर आप गेमिंग के लिए हेडफोन खरीदना चाहते हैं तो आप एंटी ई स्पोर्ट्स हेडफोन की तरफ जा सकते हैं। बाकी आपको बता दूं कि जो सभी हेडफोन के डिस्काउंटिंग लिंक्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जहां से आप उन्हें बाय कर सकते हो या फिर चेक भी कर सकते हो। और एक और बात, हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है जहां पर हम अच्छी अच्छी डील्स और अच्छे अच्छे ऑफर्स डालते रहते हैं डेली, तो मेक श्योर आप उसे भी ज्वाइन कर ले, उसका भी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे, नेक्स्ट किसी टॉपिक पर या फिर आप बताई टॉपिक पर, क्योंकि आप कमेंट करके बता सकते हो। तब तक जय हिंद। I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could.